प्रदेश की जनता के लिए किए गए वादे और दावों को अब जहां एक तरफ सरकार अमली जामा पहना रही है तो विपक्षी पार्टी, खासतौर से जो मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा की INLD, वो इसे चुनावी स्टंट बता रही है। क्या है ये चुनावी स्टंट और क्या है सरकार का फार्मूला नंबर दो, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस जहां एक और बागी तेवर और अंतर्कलह से परेशान है, वहीं अब पार्टी ने अपने फार्मूला नंबर टू पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी पार्टी अब जनता को खुश करने में जुटी है, जिसकी रूपरेखा धीरे धीरे ही सही पर बनती दिख रही है। हरियाणा सरकार ने अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में अहम बदलाव कर 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारी रेगुलर करने की घोषणा की। वहीं हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया है। भले ही प्रदेश सरकार वादों और घोषणाओं को अब अमली जामा पहनाने में जुट गई है, पर विपक्षी पार्टियों की रडार में कांग्रेस लगातार आ रही है। हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने सरकार के अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने के फैसले को चुनावी स्टंट करार दिया है। साथ ही सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कहीं सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, उन लोगों के साथ धोखा करने का काम भी सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत किसी भी कर्मचारी को जब तक उसकी रेगुलर जॉब पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप पक्का नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघना कर रूल की, उसके बाद ये फैसले सरकार लेने का काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला लेगा, और साथ ही साथ जो वो लोग हैं उनकी आंखों में भी धूल झोंकने का काम हुड्डा सरकार कर रही है। अपने रूठे हुए कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं को मनाना छोड़, अब प्रदेश कांग्रेस अपने फार्मूला नंबर दो पर तेजी से काम करती दिख रही है। शायद पार्टी को यह एहसास है कि वोट के दम पर ही राजनीति चमकी है, और इसी के चलते जनता को मनाने और वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टी भी सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। जाहिर है चुनावी लड़ाई जोरदार होगी और वोटिंग के पहले तक ये रस्साकशी दिन ब दिन तेज होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हाँ, रस्साकशी तेज होती जाएगी। दिखाएंगे आपको कुछ और मुद्दे भी, लेकिन सबसे पहले हम तारुफ करा दें हमारे मेहमान से, राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। राजीव जी, यहाँ पक्ष लेंगे, आपने जो आरोप लगाए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक अहम चीज, क्या एक विपक्ष होने के नाते कि सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ भी करके किसी भी तरह जो सत्ता पक्ष उस पर आरोप लगाओ, सिर्फ इसलिए आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, या आप सचमुच कहें कि उन बातों को उठाना चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं? देखिए, हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। आरोप लगाने का मतलब यह होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं। हम बात रख रहे हैं जनता के सामने कि आपको, जनता को किसी तरीके से गुमराह ना किया जाए। हम वो हकीकत लेके आ रहे हैं जनता के सामने कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई दल कोई बात करता है, 5 साल में नहीं आती हकीकत, क्यों चुनाव के वक्त क्यों नजर आने लगती है? देखिए, हमने जब, अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, हमारा रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने हर मुद्दे के ऊपर हमारी पार्टी का स्टैंड रखा है। हर मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे भी अगर सरकार ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है तो हमने अपनी बात सामने लाके रखी है। हमने ये बताया है कि ये सरकार एग्जैक्टली करना क्या चाहती है और आपको दिखा क्या रही है। तो आप ये देखिए, हमारा, हमारे जो काम थे वो मेंटेन रहे हैं, हम हमेशा जनहित के कार्यों में लगे रहे हैं। आरोप, आपने एक बात रखी कि आरोप लगाया, मैं आपसे, आप ही से पूछना चाहता हूं कि आप आरोप किस आधार पे? लेकिन यहां अगर हम बात करें, अगर सत्ता पक्ष पर कोई पार्टी और विपक्ष लगातार कहता रहे अगर कुछ भी करे कि आपने ये गलत कर दिया, आपने जनता को गुमराह कर दिया, उसे आरोप ही कहें? देखिए, आप मुझे अगर कोई भी बात निकाल के अगर आप मेरे से पूछें कि आपने ये आरोप लगाया, तो मैं आपको उस, जो जिसको आप आरोप मैं अगर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की बात करूं, नियमित करने की बात थी, आपने कहा कि नियमित जो करा जा रहा है वो सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है चुनाव से पहले। ऐसे ही जब जाट आरक्षण की बात आई थी लोकसभा से पहले, तब आपने कहा था कि ये एक लॉलीपॉप है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने बोला झुंझुना पकड़ाया गया है या पकड़ाया जा रहा है, वो क्यों बोला, उसके पीछे उसके आधार क्या, आपको वो बताता हूं। आज बात हो रही है कि कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है, उनको परमानेंट किया जा रहा है। हकीकत में अगर आप जाके देखें तो हरियाणा सरकार के ऊपर 300 करोड़ रुपए का एरियर ड्यू है, इन लोगों का एरियर ड्यू है, इनको 300 करोड़ रुपया सरकार ने देना है। अब वो सरकार के पास, सरकार पहले ही कर्जे में डूबी पड़ी है, सरकार के पास वो 300 करोड़ रुपया देने के लिए है नहीं। दूसरी बात यह है कि सरकार उन्हीं कर्मचारियों से एक अंडरटेकिंग लेना चाहती है। सरकार ये कहते हैं कि आप ये मान जाइए कि हमारे कोई एरियर नहीं चाहिए जी। और इसके बिहाफ पे, इसके अगेंस्ट हम आपको नौकरी देंगे। मैं आपको दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर सरकार ने एक और काम किया, डिवाइड एंड रूल।
जो जो कर्मचारी मांग कर रहे थे उन कर्मचारियों को ही डिवाइड कर दिया दो भागों में। मैं इसका पूरा जवाब लूंगा। फिलहाल करमवीर सैनी जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। करमवीर जी स्वागत है आपका एमएचए न्यूज में। थैंक यू करमवीर जी। सीधा सीधा इनेलो आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि कांग्रेस चुनाव को सर पर देखकर अब सिर्फ वादों की फुहार छोड़ रही है, झुंझुना पकड़ा रही है वादों का और कुछ नहीं कर रही, कर्मचारियों को बरगला रही है, जनता को गुमराह कर रही है, आप क्या जवाब देंगे? देखिएगा, जो कर्मचारियों का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया। हमने 5,000 कर्मचारियों को पक्का किया है। पिछले दिनों पुलिस की जो वेतन था उसको बढ़ाने का काम किया। जितनी सुविधा कांग्रेस पार्टी ने दी है बहुत ज्यादा आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। और जो इनेलो के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कुछ तक नहीं है इन बातों में। हम तो कथनी और करने में जो हमारी कथनी होती है वही हम करते हैं। राजीव जी को जवाब देंगे। वो कहते हैं हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमने तो सबसे ज्यादा कर्मचारियों का काम किया। देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस बात की तरफ, इस सरकार ने कर्मचारियों को पक्का करने के लिए तो उनसे अंडरटेकिंग ली है। अंडरटेकिंग ये लिए है कि आप सारे केस वापस ले लीजिए, आप अपना एरियर मत मांगिए तो हम आपको पक्का कर देंगे। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ में जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो उनका सबसे मुख्य उद्देश्य है वो कर्मचारियों को पक्का करना नहीं है, वो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर है उनको परमिट प्रदान करना है। आज देखिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को ये ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जो बात वो कह रहे हैं 5,000 कर्मचारियों को नौकरी दी, तमाम दी। आप अलग कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सुनने की बात करें तो 5,000 लोगों को रोजगार तो दिया ही गया। आप इस बात को समझिए, मेरा हक है कि मुझे एरियर मिलना चाहिए। आप नौकरी करते हैं, आपको भी ये मालूम होगा कि आप अपना एरियर नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी ग्रेजुएटी नहीं छोड़ेंगे। मेरा जो हक है, मान लीजिए आपने मुझे नौकरी तो पक्की दे दी है लेकिन आप मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? करमवीर जी, ऐसी नौकरी का कह रहे हैं कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है और जो हकीकत है उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया गया है कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, आपको पक्का कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। हेलो जी, विक्की जी देखिएगा, इन्होंने करना कुछ होता नहीं है, जमीनी स्तर पर इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में। हम तो इनके वायदे पूरे कर रहे हैं, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए उनको पूरा किया। अब ये कर्मचारी लगाए कब गए थे इनको शायद जानकारी नहीं होगी, 2003 में लगाए गए थे जब इनेलो और भारतीय जनता पार्टी के रेणा में सरकार थी। इसी तरीके से इन्होंने झूठ बोला किसानों के साथ, किसानों का वायदा भी हमने पूरा किया, जो कर्मचारियों के साथ वादा वो भी हमने पूरा किया। सैनी साहब, मैं आपको एक सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूं, पहले अगर आप मुझे इसी मुद्दे पे बता दें जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आप बात को दूसरी डायरेक्शन में मत लेके जाइए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपने 300 करोड़ रुपया इन कर्मचारियों को देना था, क्या आपने उनसे अंडरटेकिंग नहीं लिया कि हम आपको 300 करोड़ रुपया आप नहीं देंगे? आप उनकी तनख्वाह रोकने के बाद, तनख्वाह रोक के आप उनसे एक शर्त पे उनको उनसे एक एफिडेविट लेते हैं और ये बोलते हैं कि आप अपने हक छोड़ दीजिए तो हम आपको तब आपको नौकरी प्रदान करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इतने ही कंसर्न थे हरियाणा प्रदेश को लेके, तो आपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टों को परमिट देने की के ऊपर आपकी मुहिम इतनी फास्ट क्यों हो गई, इतनी तेज क्यों हो गई है? करमवीर जी जी जवाब, मैंने इनकी बात को सुना नहीं, आप बताइएगा दोबारा। करमवीर जी वो ये कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए का जो एरियर था आपने उस पर अंडरटेकिंग लिया है कि अब आप उनको वो 300 करोड़ नहीं देंगे उनके एरियर के, और कहीं ना कहीं अब चीज सही नहीं दिखाई जा रही है जनता को, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ हमने कर्मचारियों को नियमित कर दिया। देखिएगा विक्की जी, जो व्यवस्था इन्होंने खराब की थी उस समय में, हमने उस व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। जो लोगों ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया राजीव जी, करमवीर जी, मैं इस पूरे सवाल का जवाब आपसे लूंगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। करमवीर जी आपकी बात भी सुनूंगा, क्योंकि कुछ और आरोप इनेलो की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं कि विकास के नाम पर धोखा दिया है, जमीन के नाम पर धोखा दिया है। इन आरोपों के जवाब पर भी मैं चाहूंगा कि कांग्रेस क्या कहती है आपसे मैं जानूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।